लुधियाना में सर्किट हाउस के नजदीक नौजवानों की हुल्लड़बाजी का नजारा देखने को मिला। इस दौरान नौजवान जमकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर छोटी छोटी उम्र के ये नौजवान अपनी जान को खतरे में डालकर बॉर्डर पर बैठे कार चला रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में कुछ युवक कार की खिड़की से बाहर निकलकर सेल्फियां लेते भी नजर आए और कुछ नौजवान उनके पीछे मोटरसाइकिलों पर तीन तीन की टोलियां बनाकर सवारी करते दिखे। जब इस मामले को लेकर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बताया गया तो उनका वही पुराना जवाब था कि ऐसे युवाओं पर कार्रवाई की जाएगी जो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ते विदाउट हेलमेट विदाउट सीट बेल्ट रोलर अप पा रहे हैं, उन्होंने खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। रैली के दौरान काफी कार्रवाई देखी जाती है कि किस तरह लोग अपने रूल तोड़ के उते जो यंगस्टर होते हैं काफी रूल तोड़ते दिखाई देते हैं, तो कि इस तरह की रैलियों के किस तरह की नकेल पाई जाएगी इन्हों की? जेकर हले अपने गलत हुल्लड़बाजी करते इन्हों पर परचा भी बन जाएगा, जेडे इन्हों मुकदमा दर्ज होगा, परचा बन जाएगा हुल्लड़बाजी का। अगर ये आवाजाई से विघन पाते हैं तो इन्हों के चलान होंगे। फिजिकल की आड़ के काफ़ी कुछ ऐसी हुल्लड़बाजी करते हैं जिन्होंने जो रूल जो है अपने छिके रख के नहीं नहीं जी जी पोलिटिकल अप्रोच के जो करेंगे आप नहीं बख्शांगे, अगर उन्होंने जो भी जुर्म बनता वो किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कानून की उल्लंघना करने वाले इन नौजवानों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है या एक बार फिर ये सिर्फ पुलिस की बातें ही बनकर रह जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि इन मामलों में पुलिस के ढील बरतने से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है, इसलिए पुलिस को तुरंत ऐसे मामलों में कदम उठाना चाहिए ताकि और कोई इस तरह का खतरनाक कदम ना उठा सके। इंडिया एक्सप्रेस के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।